ग्वार में आज हल्की कमजोरी, ग्वार गम का वायदा 10,350 रुपए के नीचे, ग्वार सीड का वायदा 5,350 रुपए के नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं। कच्चा तेल अब कंसोलिडेशन के मूड में है, उस तरह की नरमी भी नहीं आ रही है। कच्ची तेजी के बाद अब 6500 के करीब एमसीएक्स पर भाव है, $83.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। केडिया जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में रणनीति बताइए, आज क्या करना चाहिए? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है लाल सी में, उसकी वजह से प्राइस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला। दो दिन पहले भी हमने देखा यहूदी ने जो ड्रोन अटैक्स किए हैं शिप्स के ऊपर, उसकी वजह से सप्लाई कंसर्न बना। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना से नंबर से वो खराब है, नो डाउट। आज चाइना ने कुछ रेट कट्स किए FIIs SBR पे, बट उसके बावजूद हम ऐसा नहीं देख पा रहे कि कुछ सपोर्ट मिला है। जापान रिसेशन टेक्निकली अनाउंस कर चुका है, तो एक तरफ डिमांड कंसर्न है, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न है, जिसकी वजह से ब्रेंट अगर हम देखें तो 83 के इर्द-गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं WTI के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 80 के बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बिकॉज 6500 के ऊपर प्राइसेस जा नहीं पा रहे। तो सबसे पहले अगर फ्यूचर की रणनीति की बात करें तो मुझे लगता है 6550 पे बेचिए, 6650 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी फॉल रहेगा 6400, क्योंकि कप एंड हैंडल बना हुआ है, जब तक ये 6600 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा एक करेक्शन दे सकता है 6400। इसी चीज के अंदर हम ऑप्शन के द्वारा भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको 6500 का एक पुट लेना है 207 रुपए में और स्टॉप लॉस रखिए 160 रुपए का। ऊपर में मुझे लगता है टारगेट 280 से 300 रुपए तक का पुट में भी मिल सकता है, जो 15 मार्च की एक्सपायरी का है। के पास फ्यूचर और ऑप्शन दोनों तरह की रणनीति केडिया जी की तरफ से आ गई है। अब भाविक, आप बताइए कच्चे तेल में आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि कच्चे तेल एक सीमित दायरे में ही आ चुका है, क्योंकि दोनों साइड से अपोजिंग फोर्स है। कल भी हमने देखा था कि हुती ने जो यूके के जो कार्गो शिप है वो अटैक किया था, तो उसकी वजह से कल इवनिंग सेशन में हमें थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिला है। तो अभी भी मुझे लग रहा है, आई थिंक जब तक 6400 ब्रेक नहीं करता है तब तक 64 से 6600 के दायरे में ही ट्रेड करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो अभी भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो थोड़े अभी भी कमजोर हो रहा है। तो फ्यूचर में 6480 के करीब बाय कर सकते हैं, 6550 का ही टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 6440 का। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो बाय कर सकते हैं। तो आपकी बाय और केडिया जी की सेल की रणनीति है, क्या आप क्या आप सलाह दे रहे हैं? दिव्या गगलानी, कॉन्ट्रा कॉल दर्शकों के लिए है, आप बताएं क्या करना चाहिए, एक बाय एक सेल कॉल। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। कच्चे तेल में अगर बात करो तो जो न्यूज फ्लो जो आ रहा है वो मिक्स आ रहा है। एक तरफ से डिमांड कंसर्न है, क्योंकि चाइना के जो भी डेटा है वो डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं, वहां का जो सेंटीमेंट है वो भी काफी नेगेटिव एज ऑफ नाउ। और सेकेंडली सप्लाई कंसर्न भी है, जैसे कि जो टेंशन चल रहा है, जो भी सी रूट है वहां पे शिप्स पे अटैक हो रहे हैं, तो प्राइस को जो लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से टेक्निकल में भी बात करो तो प्राइजेस जो है CR 500 के ऊपर जो है सस्टेन हो नहीं पा रहे हैं। CR 500 CR 550 के आसपास के रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वहां पे एक सप्लाई जोन है। तो जब तक हमें और कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि एक सेल ऑन प्राइस की जो रणनीति हम अपना सकते हैं, CR 500 का जो पुट ऑप्शन है वो 190 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 160 का रखें और टारगेट ऊपर में 230 का मेंटेन करें। ओके, यानी आपकी और केडिया जी की कॉल बिल्कुल सिमिलर है, आप भी यहाँ पर पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं 6500 के स्ट्राइक की और 190 के लेवल पे आपको लग रहा है 230, और केडिया जी को भी लग रहा है कि यहाँ पे कच्चे तेल पर दबाव दिख सकता है। अब बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं, आज हालांकि दायरे में कारोबार है, चांदी 200 रुपए तक कमजोर है। केडिया जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज?
देखिए सोने या चांदी में पिछले हफ्ते हमने एक साउंड रिकवरी देखी है, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते जाएगी। बट सोमवार को हमने देखा यूएस मार्केट हॉलीडे मोड पे था, आज भी अगर देखिए कोई बड़ा डेटा नहीं, बट बुधवार को फेड के मिनट्स आने जहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्च में कोई रेट की कटौती नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून में 53% की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। अब हमें देखना है कि फेड के मिनट्स में अगर यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलती है कि जून या मई में हम रेट कट एग्रेसिवली कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है आज भी मार्केट पूरे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आज एक लिमिटेड ट्रेड रहेगा। जैसे कल भी हमने देखा 62-100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, 100-200 और ना ही नीचे, तो आज के लिए वेटेड बहुत रखिए। 61,850 का ड्रॉप मिलेगा दिन के सेशन में, वहां पे आप लेके चलिए 61,650 के स्टॉप लॉस है, अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड है, जो 62-100 से 62-200 तक का रहना चाहिए। आप क्या सलाह दे रहे हैं दिव्या गगलानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में? मैं पहले गोल्ड की अगर बात करूँ तो गोल्ड का जो भी ट्रेंड है जो अपना थोड़ा साइडवेज हो गया है, जो लास्ट वीक जो रिकवरी आई थी लोअर लेवल के, उसके बाद यस्टरडे भी जैसे यूएस मार्केट बंद था तो कमोडिटीज मार्केट में हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिला। अभी एज ऑफ नाउ जैसे केड़े जी ने कहा कि FOMC मिनट्स की मीटिंग आने हैं, तो उससे कुछ अगर सरप्राइज आते हैं उनके एंड से तो हमें कुछ ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, और साइडवेज ही रहेगा। बाय ऑन टिप्स हम गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, 61,800 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 61,600 का रखें और टारगेट ऊपर पे 62,050 का मेंटेन करें। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी के अंदर हमें कल करेक्शन देखने मिला, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि चाइना का जो इकोनॉमी है वहां पे तो वीकनेस है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी लो है, तो उसके वजह से चांदी के अंदर हमें ज्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। अभी एज ऑफ नाउ चांदी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, 71,000 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें फॉल थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल सकता है, तो 71,000 के नीचे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 71,500 का रखें और टारगेट नीचे में 70,400 मेंटेन करें। आपके पास ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या दिव्या गगलानी गोल्ड में? किसके अंदर? नहीं दिव्या जी, आपने भाविक से मेरा ये सवाल था, गोल्ड में ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास? जी जरूर सर, देखिए मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन तो इसलिए सीमित दायरा ही रहेगा क्योंकि अभी सबकी नजरें होगी फेड के मिनट्स पे और आगे जाके यूरोप और यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई होंगे। एक अच्छा बात यह है कि गोल्ड में हमने देखा कि फ्राइडे को जो बेहतर यूएस पीपीआई आया तो उसके बाद भी सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू नहीं हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है और अभी 2,000 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिन में थोड़ी बहुत अपसाइड दिख सकती है। तो 61,000 का जो कॉल है वो मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं, अगर थोड़ा डिप मिलता है, अभी 1225 के करीब है तो 1210 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस से और 1400 का टारगेट रख सकते हैं। बट चांदी की बात करूं तो चांदी अभी भी मुझे वीक ही लग रही है क्योंकि बेस मेटल्स भी वीक है, तो चांदी में मेरी शॉर्ट की रणनीति रहेगी कि जहां पे उछाल आता है 71,450 के करीब पे शॉर्ट कर सकते हैं 70,700 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,900 का। ये चांदी बेचने की सलाह दिव्या गगलानी की भी थी और भाविक की भी है, लेकिन गोल्ड तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि गोल्ड आज खरीदे, ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हैं। 61,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है जिसकी एक्सपायरी मार्च की है, 26 मार्च की, वो उस सीरीज की आपको यहां पर ऑप्शन खरीदने की सलाह है। चलिए बात कर लेते हैं मेटल्स की, आज सारे मेटल्स कमजोर दिख रहे हैं, सब में 0.5% के आसपास की गिरावट है, जिंक एल्युमिनियम पे दबाव ज्यादा दिख रहा है। केरिया जी मेटल्स में क्या हो रहा है, आगे किस तरह की चाल आपको दिख रही है, क्या करना चाहिए मेटल्स में यहां से? मेटल पैक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चाइना रहा है, जिस दिन से मॉर्निंग में ही हमने देखा चाइना से जो डेटा पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहा। चाइना ने 5 साल का जो LPR रेट है वो अब तक का रिकॉर्ड हमने ड्रॉप आते हुए देखा है, जो जून 2023 के बाद का लोवेस्ट लेवल या हम बोल सकते लार्जेस्ट कट आया है। तो आई थिंक ये किया गया है, एफर्ट्स है कि प्रॉपर्टी में जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है चाइना में उसको सपोर्ट करने के लिए। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि अभी भी कोई बाइंग एक्टिविटी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, बट ऑलरेडी प्राइसेस में कल हमने एक थोड़ा बहुत फॉल बैक आते हुए देख चुके हैं। तो पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है 2 कमोडिटी ऐसी है जहां पे हम एक रिवर्सल साइन देख सकते हैं, पहला है कॉपर और दूसरा है जिंक। तो सबसे पहले अगर कॉपर की अगर बात करते हैं तो कॉपर में मुझे लगता है कि 717 का एक बेहतरीन लेवल रहेगा, यहाँ पे आप बाइंग करके चलिए, 713 का स्टॉप लॉस रखिए।
अब सर लिमिटेड है जो 722 से 723 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक में हमने पहले काफी अच्छी रैली देखी, फॉल भी अच्छा आया, बट टाइमिंग मुझे लगता है चाइना ने जो एफर्ट्स लिया है उसका इम्पैक्ट ये दोनों ही कमोडिटी पड़ेगा। जहां पे जिंक में मुझे लगता है 213 पे बाइंग करना चाहिए 211 के स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 216-217 तक के लेवल हम आराम से देख पाएंगे। दो कॉल बेस मेटल्स में कॉपर खरीदने की सलाह, 723 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा 713 का, और जिंक खरीदने की सलाह 213 पे 217 के टारगेट और 211 का स्टॉप लॉस है। देवे आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? बेस मेटल में बात करते शुरुआत से नेगेटिव रही सारे सारे बेस मेटल पैक के लिए। चाइना ने जो मीडियम टर्म लैंडिंग रेट है वो स्टेडी रखा, कट नहीं किया, तो उसके वजह से जो मार्केट है थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है, उससे हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू रह सकता है रैली के बाद। तो कॉपर जो है 718 के नीचे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 721 का रखे और टारगेट नीचे में 714 का मेंटेन कर। कॉन्ट्रा कॉल आ रही है कॉपर में 718 पे, आपको लगता है कि यहाँ पर बेचे, टारगेट 714 का है, लेकिन एक सिमिलैरिटी ये है कि खरीदारी है वो नीचे कर सकते हैं के लिए जी को लगता है और इनको लग रहा है ऊपर में बेचकर जाए। आप बताइए भाभी का आपको क्या पसंद है मेटल्स में, कोई एक काउंटर बताइए। मुझे एल्युमिनियम अभी भी वीक लग रहा है, देखिए लगातार वीक ट्रेंड दिखा रहा है, और अगर एलएमई में भी बेस में इन्वेंट्री देखे तो 2-3 दिन से इन्वेंट्री बढ़ के आ रही है, और जैसे हमने देखा कि चाइना के ओपनिंग के बाद भी थोड़ा सब्ड्यूड रहा था बेस मेटल्स, और जो उन्होंने 5 साल का जो लैंडिंग रेट है वो कट किया है बट 1 साल का जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं किया है, तो वो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में बेच के ही चलना चाहिए, अराउंड 197.60 पे शॉर्ट कर सकते हैं 195.80 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 199 का। नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नेचुरल गैस अब लगातार कमजोर होता जा रहा है, आज भी देखिए आज के सत्र में भी दबा भी है। मार्च का वायदा देखिए 138 पे हल्की नरमी आज भी दिख रही है। केडिया जी क्या हो रहा है मेटल्स नेचुरल गैस में, क्या करें, और नरमी आपको दिख रही है कि अब यहां से खरीदारी लौटेगी? देखिए एज पर जो वेदर कंडीशंस अपडेट है वो बता रहे थे कि 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक हम देख रहे थे कि वार्मर वेदर था, जिसके चलते हमने प्राइजेस में जबरदस्त फॉल आते हुए देखा और उम्मीद थी कि 140-150 से जाकर ये फॉल रुक जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वापस ठंड या टेम्परेचर में ड्रॉप दिखा रहे, जिससे डिमांड में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बट 2 दिन पहले ये अपडेट भी थी कि रशिया ने यूक्रेन के बाहर कुछ गैस सप्लाई की है यूरोप में, जिसकी वजह से ये फॉल और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, प्राइजेस को 130 पे सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है, एंड साथ में मुझे लगता है वेदर जो 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है वो प्राइजेस को टेक्निकली जो ओवरसोल्ड में उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो करंट लेवल से ऑप्शन के द्वारा आप इसमें एंटर कर सकते हैं, फ्यूचर में मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 130 का अगर हम कॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप 130 के कॉल लेके चला जा सकता है नेचुरल गैस के अंदर, जो करीबन 3.70 रुपया के करीब है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, मुझे लगता है 8 से 8.5 तक का जब मिलेगा, तो ऑप्शन के जरिए नेचुरल गैस में एंट्री की जा सकती है। यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह नेचुरल गैस में, एक कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। दिव्या आप सहमत है, आपको भी लग रहा है कॉल खरीदना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में बात करो तो जो वेदर फोर्टा से काइंड ऑफ मिक्स है, वार्म वेदर के चलते में काफी अच्छा करेक्शन में देखने मिला प्राइसेस के अंदर, पर जो सेकंड मेन फैक्टर है कि जो स्टोरेज है वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में है, तो उसके वजह से प्राइस को जो है हायर लेवल पे सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। तो सेल ऑन प्रेशर के चले 140 का जो पुट ऑप्शन है वो 8 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 6-6 रुपए का रखें और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करें। तो आपको लग रहा है पुट खरीदना है 140 के स्ट्राइक की मार्च सीरीज की 11 के टारगेट के लिए, 8 के आसपास इसके प्रीमियम जब आपको दिखे तो खरीद लें। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको बता दें कि आज से हम कम्युनिटी विशेष की जगह कम्युनिटी फटाफट करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। शुरुआत सबसे पहले जीरे से, जहां पर आज 1% की तेजी दिख रही है, कल भी तेजी थी 25,980 पे, 26,000 के बेहद करीब भाव है। केडिया जी बताइए जीरे में क्या करना चाहिए अब? केडिया जी ऑडियो को आप म्यूट कीजिएगा और जीरे पर बताइए क्या करें, तेजी टिकेगी यहां से?
बिल्कुल रजवान जी, मुझे लगता है कि तेजी इसलिए दिखेगी क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो सप्लाई की कमी है, नया माल जरूर आने वाला है, इससे कोई एक्स्ट्रा बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ तो नहीं दिखाई दे रही, बट मुझे लगता है एक दायरा बना हुआ रहेगा प्राइजेस के अंदर और ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जो ऊपर में मुझे लग रहा है 28,500 तक का लेवल दिखा सकता है, बट उसके बियॉन्ड टाइमिंग बोलना मुश्किल है क्योंकि अराइवल इस बार क्रॉप साइज काफी अच्छी है, इसलिए प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। और धनिया में क्या करना चाहिए केडिया जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? धनिया तो आज जवाब में दिख रहा है 7,550 के आसपास अप्रैल का वायदा, और हल्दी का अप्रैल वायदा 15,400 के करीब, मामूली तेजी है, क्या लग रहा है इन दोनों में? देखिए अगर हम हल्दी और धनिया की बात करें तो दोनों ही क्रॉप शॉर्ट है, खास करके धनिया में हमने देखा करीबन 47-48% का क्रॉप में शॉर्टेज है, तो आई डोंट थिंक मार्केट में कोई बड़ा फॉल रहेगा। आवक की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट जरूर खराब है बट क्रॉप साइज छोटी होने की वजह से बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, तो 7,500 में लेना है, 7,350 का स्टॉप लॉस रखिए, 7,700 का व्यू लेके चलिए बट 2-3 दिन का व्यू लीजिए। वहीं हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी में मैं खुद सांगली और काफी एरियाज में जाकर हूं, इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, यील्ड में फॉल है जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, आई थिंक 15,200 इज गुड टू बाय, 14,850 का स्टॉप लॉस रखिए, 15,800 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है जो अगले 2 से 3-4 दिन में देखने मिल जाएगा। धनिया और हल्दी को लेकर है खरीदारी की राय यहाँ पर आ रही है, और सही कहा, मैं भी नांदेड़ मराठवाड़ा के एरिया में गया था, वहां पर ज्यादातर जो कारोबारी किसान यही कह रहे हैं कि पिछले साल से 30-40% तक उत्पादन कम रहने की संभावना है और अराइवल्स भी धीरे धीरे वहां पर शुरू हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, इन दोनों काउंटर में आज फिर से दबाव दिख रहा है, कल ग्वारगम में तेजी दिख रही थी 5,300 के आसपास ग्वार सीड और ग्वारगम 10,350 के आसपास, हल्की गिरावट दोनों काउंटर में है। भाविक आप बताइए ग्वार सीड ग्वारगम में आज क्या करें? देखिए ग्वार सीड में अगर देखें तो 5,300 से 5,150 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, पहले भी हमने देखा कि वहां से थोड़ा बाउंस बैक, हालांकि अभी भी अपसाइड तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कम ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अपसाइड मुझे 5,450 से 5,500 लग गया है, बट यहाँ से अभी भी शॉर्ट नहीं लग रहा है, आई थिंक कोई भी करेक्शन आता है तो मैं बाय की रिकमेंड करूंगा, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 5,290 जो एक सपोर्ट जोन है वहां पे बाय कर सकते हैं 5,380 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5,225 का। तो ग्वार सीड पर आपका ये व्यू है, आप बताइए केडिया जी ग्वार सीड ग्वारगम क्या करें यहाँ से? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे भाई ने बताया कि मार्केट एक दायरे में ही है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आ रहा है मार्केट में, टाइमिंग धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही क्योंकि गवारगम गवार सीड का जो रेशियो है उसमें काफी बेहतरीन जंप आया है, तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं एक्टिविटी बढ़ी है, तो आई थिंक गवारगम में 10,200-250 की रेंज में लेके चलिए, 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 10,500 से 10,800 के बीच में रहेगा। गवार सीड में पहले भी हमने देखा कि 5,200-5,250 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो 5,280 के करीब लेके चलिए, 5,200 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 5,420 से लेकर 5,450 का टारगेट देखने मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कपास की और कपास खली की, यहाँ पर अगर देखें तो खरीदारी ठीक ठाक आ गई है, क्या अब ये तेजी टिकेगी? 2,400 का कॉटन के एक अब 2,600 के आसपास है, यहाँ से क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है केडिया जी? देखिए कॉटन के लिए, कॉटन सीड ऑयल के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर पहला कॉटन है, कॉटन में हमने देखा 94 सेंट टच कर चुका है जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 105 से 110 सेंट तक चले जाएगा, इसका सपोर्ट कॉटन सीड को मिलेगा। साथ में हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी जो पहले फॉल देख रहे थे वो अब नहीं है, कॉटन बॉस में भी हम स्टेबिलिटी देख रहे, इसी के अनुसार हमने 2-3 दिनों में एक बड़ी तेजी देखी, तो टेक्निकली मार्केट 2,520 के ऊपर जब तक मेंटेन है मुझे लगता है ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, जो 2,700 से 2,750 का लेवल अगले एक हफ्ते में दिखा देगा, तो करंट लेवल से भी लेने की सलाह रहेगी, इमीडिएट टारगेट तो 2,700-2,720 का है, बट कुल मिलाकर अगर हम मार्च एंड तक की भी बात करें तो मुझे लगता है 2,900 का लेवल इजीली अचीवेबल है कॉटन सीड ऑयल के लिए, 100 का लेवल भी आपको आगे दिख सकता है, और फिलहाल जो पोजिशनल व्यू है वो 2,700 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह कॉटन खेत में है। शुक्रिया केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी आपका और भाविक पटेल आपका, आप सबने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को फटाफट से अपनी राय हर कमोडिटी पर दी थी। चलिए लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि आज से हम कमोडिटी विशेष की जगह कमोडिटी फटाफट करने वाले हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब भी फटाफट अंदाज में दिए जाएंगे। कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आप हमें भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी भेज सकते हैं, साथ ही आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें और 5:30 से 6 बजे तक आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।